समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू गुरुवार को सैयद राजा विधायक सुशील सिंह के कित्र पर हमलावर रहे। इस दौरान उन्होंने धानापुर निवासी किसान नमन दुबे के परिजनों से मुलाकात कर सैयद राजा विधायक पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि विधायक किसानों को सिंचाई के लिए पानी तो उपलब्ध नहीं करा पा रहे, लेकिन जब किसान पानी की मांग करता है तो उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेजने का काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि यह कृत्य भाजपा के दोहरे चरित्र का जीता जागता प्रमाण है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। नहीं समझेंगे अब जनप्रतिनिधि नहीं नहीं कोई बात नहीं, टेंशन मत लें, तल को चिंता मत करिए। नहीं कोई मत रोई मत रोई मत रोई और चली, हर चीज का ना भगवान हुआ, क्योंकि ये जरूरी है बहुत, ये दर्द आपका आंसू जाए ना जाए चिंता मत करिए। अगर किसानी के नाम पर अगर पानी मंगले बदे जेल जे चल जाए, जाए नहीं मत रोई आप रोई मत रोई, सही नहीं सही कहते हैं, दर्द होते हैं ना, माँ का दर्द माँ ही जानती है, दूसर क्यों कहा जानी है। ये किसानन के खेत का पानी ना मिलते है तो गुस्सा में आदमी कुछ बोल देता है, ये दर्द कौन जनप्रतिनिधि नहीं समझेंगे। अब जनप्रतिनिधि अगर जेल भिजवा देंगे इसके नाम पर तो इससे बड़ा विडंबना और कुछ नहीं होगा। सही नहीं नहीं हम माफ़ी मांगे तो खुद है, हम ये बदे अली हैं कि कम से कम मिल लें ही इनके दर्द में, और हम अपना नंबर इनको दिया हो, बाकी अगर कोई जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हूँ। ना 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 ये खत्म करिए, हम वो बात करते हैं, हम कल कप्तान साहब से मिलूंगा और मिलके मैं कहूंगा कप्तान से कि केस खत्म करिए इनका, क्योंकि मैं जानता हूं ये क्या करते हैं ना। अब ये केस करा दिए 356 कर दिए हैं और कई धाराएं इसमें लगवा दिए हैं और उसमें जेल नहीं जा सकते क्योंकि 7 साल के नीचे का है, तो 151 में जेल भिजवा दिए और अब चाहेंगे कि परिवार आए और हाथ पर जोड़े तो उसको खत्म कराया जाए। नहीं नहीं जाके गिर नहीं गोल, हम कब अगर जरूरत पड़ी तो हम भी चल के उनके आगे गोल गिर लेंगे, भाई किसान को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं ठीक है माता जी, आप बिल्कुल हमें अच्छा लगा। नहीं अगर विधायक जी यही चाह रहे हैं तो परिवार तैयार है कि चल के उनके गोल पे गिर लेंगे एकदम, नहीं तो आप लोग विधायक जी के परिवार एक दिन जा ही जा, हमें कोई ऐतराज ना चाँप के, और मैं आपके साथ हूँ चिंता तन को मत करिया, और उनके चले जाइए। अब एक दिन विधायक जी रहते हैं शनिवार आतवार को रहते हैं, जाके उनके गिर लीजिए पैर पे, कहिए भैया हमने लिखा के जान बच जाए, आगे से तो क्यों कुछ ना बोली बोले ना नहीं नहीं पानी सिर्फ आपको थोड़ी चाहिए, पानी सबको चाहिए, और वहाँ पे बहुत लोग गए थे और उसमें नेता भी थे, और नेता रह गई ना चल गई ना घरे, आई चल गई ना जेल। आज नेताओं से डर इसीलिए तो लग रहा है कि हम तो अली इनसे निक निक बतियोली और हम चल जाए अपने घरे, आई चल जी जेल, तो डर क्यों नहीं लगेगा। आज की चाल और चरित्र ये भी तो हो गया है, इसलिए चलिए डरने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ बोलने नहीं आया हूँ और न कुछ कहूँगा, सिर्फ इसलिए आया था कि मिल लूँ कि पानी के लिए किसान जेल गया था, बस इसलिए मिलने आया, और कोई मेरा मकसद नहीं था। चलिए बड़ा अच्छा लगा, आप कुछ मत बोलिए, आप रहिए, मैं जो भी होगा हम बात करता हूँ और कल मैं खुद एस पी से बात करूँगा, और नहीं होगा तो एक दिन आप जाके विधायक जी का, अगर यही चाह रहे हैं तो आप माता हैं दादी जी हैं जाके हाथ जोड़ लें कि विधायक जी माफ़ करता, जब इसी में खुश हैं विधायक जी तो यही कर लीजिए। नहीं हाथ जोड़ने से कोई बात, आप जाके ना ना बहुत बढ़िया, बहुत आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, हाथ जाके जोड़ लीजिए उनके, ठीक है। नमन दुबे विकास दुबे नहीं होना चाहिए ना, निरंजन के कोनो भरोसा ना, हाथ जोड़ने में जाके जोड़ ला बाबू, तो हूँ चल जाए, या दो बार गोले गिर लिया ब्राह्मण हुआ का जानी, तोरे गोले गिर ले उतर ही जाए, आए अगर गिरवाओल चाहते हो तो जाके उनके गोले गिर के कह दिया कि भैया हमसे गलती हो गई, हमें पानी ना चाहिए, हम ना खेती करब, लेकिन अब जेल मत दोबारा भेजो। यहाँ दुख होते नहीं सुन के, ऐसे बड़ा तकलीफ और कुछ ना चाहिए। नहीं नहीं जाए नहीं माता जी एकदम मत रोई आप, मत रोई मत प्लीज मत रोई हम के जी हाँ, फीस का पैसा तो उनके जमानत में लग गए, अब पानी आया ला, अकाल तो हम किसानन के देख ली कि अपने से तो उनके नहर का सफाई करत रहा, आज के अमर उजाला पेपर में भी आया, लेकिन क्या करब माननीय विधायक जी के वहाँ कि जेल भिजवा के ही खुश होते हुआ, और अभी 2 दिन पहले विधायक जी बैठ के किसानों से गाली दिलवा रहे थे अगल बगल में बैठ के। मैं कहूँगा कि बिल्कुल हमको दीजिए, मैं कह रहा हूँ हमको दीजिए, फ़ोन करके बल्कि मेरा नंबर ले लें 94 53 94 94 94, फ़ोन करके गाली दे के अपने दिल का भड़ास निकाल लें, हम जेल नहीं भिजवाऊँगा। बात विधायक जी को कुछ मत कहिए, बस इंतजार करिए समय का, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, वही अर्जुन रहा वही बाण रहा है, अब समय के इंतजार करना है, बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
चले हमू चलो अपने क्षमा चाह ये सुन के बड़ा कष्ट होता मऊ के। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, रोई मत आप। आज मैं आया हूँ धानापुर नगवा पंप कैनाल के लिए। किसान कुछ गए थे नगवा पर 3 दिन पहले, और एक किसान साथी हमारे नमन दुबे जी के ऊपर केस करा के माननीय विधायक जी जेल भिजवा दिए, और धाराएं भी उनको बड़ी गंभीर लगवाने का काम किए माननीय विधायक जी। उनको धारा लगा है 186, 353, 506, 504, और इन धाराओं में जेल न भिजवा के जेल भिजवाए हैं 151 में। 151 में जेल भिजवा दिए, और अब विधायक जी की माफ़ी मंगवाना चाहते हैं परिवार के। तो मैंने कहा आके, उनकी माता जी रो रही थी, दादी जी रो रही थी, मैंने कहा आप दोनों लोग चले जाइए, अगर आपके माफ़ी से विधायक जी खुश होते हैं तो एक दिन कार्यालय में शनिवार इतवार को बैठते हैं और जाके आप माफ़ी मांग लीजिए। और मैं आज संदेश दे रहा हूँ कि साथी इंतजार करिए, समय बड़ा बलवान होता है, और माननीय विधायक जी को आप कुछ मत कहिए। अगर आपको दर्द भी होता है तो मनोज कुमार सिंह डब्लू का नंबर नोट कर लीजिए, 94 53 94 94 94। आप उनको गाली भी दे लीजिए, और इसी व्हाट्सएप पे आपकी जो समस्या है उस समस्या को भेजने का काम करें, इसको निस्तारण कराने का काम मनोज करेगा। बाकी आप लोग अगर कुछ कहेंगे तो जैसे नमन जाके आए अभी जेल, आप लोग भी जेल जाके आओगे, क्योंकि विधायक जी जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं, पानी दिलाने की तो औकात नहीं है। क्योंकि जिस नहर के लिए अमन दुबे जेल जाके आए हैं, उसी नहर को कल किसान स्वयं अपने लोग निकल के पानी में उसमें से घास निकालने का काम किए हैं। क्योंकि माननीय अधिकारी जी लोगों को तो घूम के चमचागिरी और दलाली से तो फुर्सत है नहीं, और माननीय विधायक जी भूल जा रहे हैं कि अपने बगल में चमचों को बिठा के हमको गाली दिला रहे हैं, उसमें स्वयं सामने बैठ रहे हैं। ये भी वीडियो आपके साथ में भेजने का मैं काम करता हूँ। और माननीय विधायक जी, एक किसान अगर कुछ बोलता तो इतनी दर्द हो जाती है। ये मेरे साथ के नहीं है, किसान है, मैं इसलिए आया था कि भेज दूं, माफी वाफी मांग के केस खत्म करा लें, क्योंकि किसान बेचारा ये किसानी करे कि खेती करे कि जाके केस लड़े, इसलिए यह संदेश देने के लिए मैं आया हूँ।